हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 110 डिग्री। यानी कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें एंगल ए की मेजरमेंट हमें दी गई है 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू है 40 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू है 110 डिग्री। इसके बाद हमसे कहा गया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी एक और ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें एंगल पी इज इक्वल टू 30 डिग्री है, एंगल क्यू इज इक्वल टू 40 डिग्री है एंड एंगल आर इज इक्वल टू 110 डिग्री है। उसके बाद हमें गिवन है स्टूडेंट्स, अ स्टूडेंट सेज दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। यानी कि एक स्टूडेंट ये कहता है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, कौन से क्राइटेरिया के द्वारा, बाय ए, यानी कि एंगल 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के द्वारा। इज ही जस्टिफाइड, क्या ये आंसर ठीक है, वाई और वाई नॉट, अगर ठीक है तो क्यों ठीक है और अगर ये आंसर गलत है तो क्यों गलत है। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया यूज करने के लिए कहा गया है, एंगल 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। और इस चैप्टर की जो बेसिक वीडियो है उसमें हमने आपको कौन से क्राइटेरिया बताए थे, एक है साइड 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 और एक क्राइटेरिया था साइड एंगल साइड, और उसके बाद एक क्राइटेरिया आया था एंगल साइड एंगल, और उसके बाद एक और क्राइटेरिया था आर एच एस। जबकि यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया यूज करने के लिए कहा गया है, एंगल एंगल एंगल। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि दो ट्रायंगल्स को एंगल 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 क्राइटेरिया यूज करके कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या आंसर लिखा, नो द स्टूडेंट इज नॉट जस्टिफाइड, यानी स्टूडेंट का आंसर सही नहीं है। यहाँ पर हमने आपको ये डायग्राम के थ्रू भी समझाया स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि आपके पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री हैं और इस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल्स 60 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल छोटा है और ये वाला ट्रायंगल बड़ा है। जबकि दो ट्रायंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। यानी अगर एक ट्रायंगल को दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो वो दूसरे ट्रायंगल को पूरी तरह से कवर कर सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखा जाए तो ये वाला ट्रायंगल जो कि छोटा ट्रायंगल है साइज में किसके कंपैरिजन में, इस ट्रायंगल के, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल्स तो तीनों ही 60 डिग्री हैं, लेकिन एंगल एंगल क्राइटेरिया का यूज करके हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों आपस में आप देख सकते हैं कि एक समान यानी कि आइडेंटिकल नहीं है। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा नो द स्टूडेंट इज नॉट जस्टिफाइड, ये आंसर ठीक नहीं है, क्योंकि हम एंगल 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 क्राइटेरिया यूज करके दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।